लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सारिका जी, आज का पेपर ओके बाय। हाँ आई, हाँ अभी आई हूँ बस। कौन? ओ नो, आई नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देखो अभी आप शुरू मत कीजिए प्लीज। नहीं अभी मैं नहीं आ सकती पूना, बिल्कुल नहीं आ सकती। और देखो मैं अभी घर पर आई हूँ, आई प्लीज मैं रात में फोन करूंगी। ओके बाय बाय। हेलो सारिका जी, मैं धोबी के पास गया था तो आपके कपड़े भी लेता आया। आपने क्यों तकलीफ की? नहीं इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं, आठ है ना, आप गिन लीजिए। वो मेरा हाथ, अब एक मिनट रुकिए मैं अभी आती हूँ। कपड़े आपके। थैंक्स। मीना मायके गई है। तो वो आप खाना बना रही थी ना, तो मेरे यहाँ तो टिफिन आया पड़ा, दो लोग आराम से खा सकते हैं। नो मिस्टर कामदार, आई मीन थैंक्स, थैंक यू। नहीं फॉर्मेलिटी कोई जरूरत ही नहीं है। मिस्टर कामदार प्लीज, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से, नहीं तो इस सब के बारे में मुझे मीना दीदी से बात करनी पड़ेगी। नहीं आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रही हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए और रोज रोज के बहाने बनाकर मेरे घर पर आना बंद कीजिए प्लीज। हाय। ओह हेलो सर, प्लीज एक मिनट प्लीज। एक घंटा लीजिए। ब्यूटीफुल। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। यस, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? हाँ लंदन वाया फ्रैंकफर्ट, फ्लाइट्स की डिटेल्स चाहिए प्लीज। श्योर सर।
Anything else, sir? Yeah. क्या आप मेरे साथ लंच करेंगे? सॉरी, मैं अजनबियों के साथ लंच नहीं करती सर. मेरा नाम करण राठौड़ है और आपका नाम सारिका वार तक है, तो अब हम अजनबी नहीं रहे. सिर्फ नाम जानने से कोई दोस्त तो नहीं बन जाता. लेकिन दोस्ती करने के लिए नाम जानना बहुत जरूरी होता है, नहीं? Have a nice day, sir. I always do. अरे बुद्धू, तूने मना कर दिया. My God, he's so cute. अगर वो मुझे कहता ना तो मैं उसके साथ में लंच तो क्या, डिनर और ब्रेकफास्ट पे भी चली जाती. Hey, कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रही हैं? What nonsense? नहीं, मैंने सोचा शायद मैं आपको बहुत पसंद आ गया और मेरा पीछा करते करते आप यहाँ तक आ गए. मजाक कर रहा हूँ. Nice to see you again. Your change bag. अरे, हम दोनों एक ही कॉफी पीते हैं. जी, आधा हिंदुस्तान यही कॉफी पीता है. थैंक यू. आधा हिंदुस्तान यही कॉफी पीता है. थैंक्स. वेल, आप ठीक तो है ना? साइज में मुझसे ज्यादा था, इसलिए मैं उसके पीछे भागा. फिर भी ऐसे लोगों के पास वो चाकू वगैरह कुछ भी हो सकता है. तो आपकी नजर में मैं हीरो हूँ? जी? अपनी जान पर खेलकर मैंने आपका पर्स बचाया. ऐसा काम कोई किसी अजनबी के लिए तो नहीं करता. या लंच नहीं, लेकिन एक कप कॉफी पियेंगे आप मेरे साथ यही? आप काम क्या करते हैं? थोड़ा बहुत सब कुछ, थोड़ा बहुत कुछ नहीं. मतलब? एक घंटे में फोन करना. मतलब यही, स्टॉक, शेयर्स, सेंसेक्स. मेरा काम बहुत बोरिंग है. अपने बारे में बताइए, अकेला रहना अच्छा लगता है आपको? आपको कैसे मालूम मैं अकेले रहती हूँ? 15 पैकेट नूडल्स. या तो आप अकेली रहती हैं या बहुत सारे बच्चे हैं आपके. बहुत सारे बच्चे. और आप कहाँ रहते हैं? एक बड़ा सा सूटकेस है, उसी में रहता हूँ. काम के सिलसिले में अक्सर बॉम्बे आना पड़ता है, होटल में रहता हूँ. और फैमिली? माँ यूरोप में, बाप यूएसए में, डिवोर्स्ड हैं. ओह, आई एम सॉरी. व्हाई? वो दोनों खुश हैं, मैं भी. एक्सक्यूज मी. हाँ बोल. व्हाट? कब? सब ठीक तो है? सब ठीक है, कुछ कुछ ठीक नहीं. लुक, आई एम रियली सॉरी, इट्स बैड टाइमिंग, आई हैव टू गो. ओके, बाय, सी यू. टैक्सी. फिर क्या, उसने कॉफी खत्म की और वो चला गया. मैंने भी अपनी कॉफी खत्म की, बस पकड़ी और मैं भी चली गई. यार, हे सारिका. अरे आप? हाय. हाय, यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका पीछा. व्हाट? 2 घंटे से गाड़ी में बैठा हूँ कि आप कब निकलेंगी ताकि मैं आपको घर छोड़ सकूँ. अब यह मत कहना कि आप मेरी बात मान गए. सामने बैंक में काम था, वापस आ रहा था तो आप दिख गए. एनीवे, जूहू जा रहा हूँ, आपको कहीं लिफ्ट दे दूँ? ओह नो नो, थैंक्स रियली, बट ओह कम ऑन, गेट इन यार, आई वोंट बाइट यू. लेट्स गो, लेट्स गो, कम ऑन. ओके.
तो आपने मेरी बात मान ली कि मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था। पर फिर मान गई। सॉरी यार, I'm just joking with you. तो आप ट्रैवल एजेंसी में काम करती हैं? You must be going to some amazing places. नहीं नहीं, मेरा ट्रैवलिंग मतलब घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, और ऑफ कोर्स वीकेंड्स को पुणे। पेरेंट्स क्या करते हैं? डैडी माइनिंग इंजीनियर थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। थैंक्स। अगर आप इंसिस्ट करती हैं तो एक कप चाय या कॉफी पी लेता हूँ। यस यस यस। विद्याधर दामले कौन है? अफ्रीका में तबला सिखाते हैं। मेरे लैंडलॉर्ड हैं। प्लीज वाकई बहुत सारे बच्चे हैं आपके। पहचाना मुझे? ओके। ये नहीं, ये नहीं। कीप गेसिंग। एनीवेज, चाय कॉफी या ठंडा क्या चाहते हैं आप? एक्चुअली मैं आपको किस करना चाहता हूँ। प्लीज गेट आउट। अरे यार, तुमने पूछा मुझे क्या चाहिए और मैंने बता दिया। एनफ, यू प्लीज प्लीज गेट आउट। जस्ट गेट आउट। आई एम रियली रियली सॉरी, और इसलिए नहीं क्योंकि मैंने ये बात कही, लेकिन मैंने आपको नाराज किया, एंड आई एम सॉरी। क्या बात है? क्या बात है? कुछ नहीं। लंच नहीं करना? नहीं। सारिका जी, ये आपके लिए। पता नहीं कोई दरवाजे पे छोड़ गया था, मैंने तो सिर्फ। ओह थैंक्स। चिट्ठी तो पढ़ी ही होगी आपने। हेलो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ओ माफ करो। हाँ माफ करो। जाने दो। अरे जाने दो। गुड आफ्टरनून राष्ट्र। भाई सब बंद कर देना। भीम, जाना है। ओ, मुझे लगा खाली है। खाली है? मीटर भी अप है। डाउन तो सिर्फ दो बोतल है। आइए मैडम, बैठिए, घर तक छोड़ के आते हैं। अरे मैडम, आप अगर नहीं बैठेंगी तो हम भी नहीं बैठेंगे। कम ऑन। हम आपके साथ ही चलेंगे मैडम। हम साथ साथ चलेंगे मैडम। टैक्सी में बैठिए मैडम, आपके लिए टैक्सी मंगवाई है। क्या मैडम, अरे बहुत जगह मैडम। आगे लेके आइए आइए। कौन आ रहा है? मैं देखता हूँ। अरे गाड़ी रोक रहे, मेरा हाथ तोड़ दिया। अरे सोना मुरारी, गाड़ी रोक। चलो थैंक्स करो। किस लिए?
किस लिए? तुम नहीं आते तो वो लोग वो तो किराए के गुंडे थे, सामने बियर बार में काम करते हैं। What? Come on, सारिका। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरी नहीं है, तुम्हारी है। तुम्हें पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। ओह हेल, मैंने उसका हाथ तोड़ दिया, 10,000 रुपये और देने पड़ेंगे। करण प्लीज, ये मजाक की बात नहीं है। मजाक तो तुम कर रही हो सारिका। इस तरह आधी रात को अकेले सड़क पर कुछ हो जाता तो? सीट बेल्ट बांधो। ओके। तुम्हारे लिए। ये खोलो तो सही। करण, ये तो बहुत महंगा है, जानता हूँ। करण, मैं ये नहीं ले सकती। अरे भाई, पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ तुमसे। करण, मैं सीरियस हूँ, मैं ये नहीं ले सकती, प्लीज। ओके फाइन। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं एक गिफ्ट लेकर आया था तुम्हारे लिए। शायद मुझे एक पेन या कोई फूल लेकर आने चाहिए थे, तो तुम इसे घर ले जाती या अलमारी में रखती या नोटबुक में रखती। यू नो लाइक अ मोमेंटो, सो क्यूट, सो स्वीट। लेकिन एक नेकलेस दे दिया, यू कांट एक्सेप्ट इट। मेरे लिए ये खरीदना एक पेन खरीदने के बराबर है। तुम्हारे लिए खरीदा है, दाम देकर नहीं खरीदा, अच्छा लगा इसलिए खरीदा। बिकॉज आई लुक, आई एम सॉरी, ओके, जस्ट फॉरगेट इट। करण, व्हाट? नेकलेस। आर यू श्योर? मैं पहनूं? करण। हे, हाय, सॉरी ट्रैफिक में फंस गए। तुम्हारा लगेज कहाँ है? लगेज? क्या लगेज? यहाँ तक आए सिर्फ बाइक लेने के लिए? चलो मेरे साथ, कम ऑन। अरे और मेरा काम? सारे का 2 दिन की छुट्टी ले ली तो इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री बंद नहीं हो जाएगी। कम ऑन, कम विद मी, इट बी फन। यू सीरियस? आई एम वेरी सीरियस। लाइफ शॉर्ट, टेक चांसेस, कम ऑन। तुम ट्यूसडे को वापस तो आ रहे हो ना? लाइफ में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है मैडम, क्या पता मैं संडे को ही वापस आ जाऊं। संडे? दैट विल बी ग्रेट। मैं अगले संडे की बात कर रहा था। करण नहीं आई, हॉलिडे सीजन चालू है ना, कभी कभी संडे को भी काम करना पड़ता है। अगले हफ्ते आऊंगी पक्का। आई? क्या बात है, आजकल बाबा सेटल होने के लिए नहीं कहते। हाय। तुमने कहा था तुम संडे को आने वाले थे। रॉन्ग मैडम, मैंने कहा था लाइफ में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती, और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। रियली, व्हाट इज दैट? मैं अभी आती हूँ, पहले फोन कर दिया होता, मैं कुछ और बना लेती। बहुत बहुत अच्छा है, रियली। करण, एक तो जब तुम झूठ बोलते हो ना, मैं यूं समझ जाती हूँ। अच्छा? या ओके, लेट्स प्ले अ गेम। हम एक दूसरे से 5-5 सवाल करेंगे, लेकिन हर सवाल का जवाब झूठ होना चाहिए। ओके ओके ओके। ये क्या है? वॉशिंग मशीन। गुड। मी? या ओके। तुम्हारे कुर्ते का रंग क्या है? लाल। तुम्हारे पेरेंट्स पूना में रहते हैं? नहीं, टिम्बकटू में रहते हैं। तुम स्टॉक मार्केट में काम करते हो? नहीं, मैं गैंगस्टर हूँ। कितने सवाल हुए? 2। हार गई। ए करन करन करन, ओ माय, रुको रुको रुको, एक मिनट, ये वाला नहीं करेंगे, वापस वापस, ये वाला एक और मौका। ओके। यू लव मी? नो। तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं? सारिका, तुम पहली लड़की हो जिससे मुझे प्यार हुआ है। करण,
ये सही जवाब था या मेरी बारी है? तुम बताओ, ये सही था या गलत? ये सही जवाब था. Do you love me? No. आखिरी सवाल, क्या आज रात को मैं यहां तुम्हारे साथ रह सकता हूं? हाँ. ओके. तुम कहती हो तो मैं रह जाता हूं. ए, ये छठा सवाल था. मुझे तुम पर भरोसा है करण. वहाँ कोने में मोरी है, भाग गया होगा तुम्हारी चीखे सुनकर. मजाक लगता है तुम्हें? मैं चिल्ला रही हूँ, तुम्हें मजाक क्यों लगती है? What's wrong with you? Don't be silly. मैं नहीं आ रही हूँ. मैं नहीं आ रही हूँ. I'm okay here. मुझे नहीं आना है नीचे. I'm okay. Come on. मरी करण, करण. शुश. दो दिन आते हो, चार दिन गायब. आई मीन दिस इज टू मच करण. ये नहीं चाहिए. मैं चाहती हूँ कि हम. ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है. जब चाहूँ तुम्हें फोन कर सकूँ. देखो, सैटरडे को मुझे ऑफ है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं पुणे चले जाए मेरे घर. ओके. हेलो. हाय. हाय. मिसिंग मी? नहीं.
लाया। एक काम करोगी? हाँ। मेरा एक दोस्त है अभिजीत, वो नासिक में रहता है। शाम की फ्लाइट से वो हांगकांग जा रहा है, लेकिन पहले बॉम्बे आएगा। बॉम्बे में वो किसी को जानता नहीं है, उसे घर भेज दूं 2-3 घंटे के लिए। उसे मुंबई दर्शन तो नहीं कराना पड़ेगा ना? एक कप कॉफी तो पिलाओगी? अरे तुम्हारा दोस्त है, कॉफी भी पिलाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। यस जी, मैं अभिजीत, वो करण ने। ओ या, आइए ना, आइए प्लीज। आई एम सॉरी, दरअसल मैं टीवी देख रही थी ना, तो अरे बैग रख दीजिए ना वहाँ पर। लंच किया है आपने या मैं? हाँ। ओके, तो फिर चाय या कॉफ़ी कुछ? चाय। ओके, मैं अभी आती हूँ, आप प्लीज़ बैठिए ना, जब तक मैं अभी आती हूँ। अरे अब यहाँ क्यों बैठ गए? वहाँ बैठ जाइए ना आराम से। ठीक है। ओके। अब चाहे तो चैनल चेंज कर सकते हैं कोई भी। नहीं नहीं, ठीक है। काफी साल से जानते हैं आप करण को? हाँ। कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं? एयर इंडिया, एयर इंडिया। चीनी कितनी चम्मच? 2 चम्मच। थैंक यू। आप हांगकांग काम से जा रहे हैं? जी। एक मिनट। हाँ, अंधेरी में। हाँ ठीक है, आधे घंटे में पहुंचता हूँ। जी काम है, जाना होगा। जी इसे मैं शाम को फ्लाइट के वक्त ही ले जाऊंगा। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, मैं घर पर ही हूँ। ओके ओके, बाय बाय। दिल्ली में आपका फिर से स्वागत है। अब तक के प्रमुख खबरों में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका पहुंचे। मेरठ में 2 हफ्तों के बाद शांति और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव घोषित। आज दोपहर मुंबई के जुहू इलाके में कुख्यात गैंगस्टर प्रकाश सहाय उर्फ मामा पुलिस के हाथों मारा गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अनुसार प्रकाश सहाय एक उद्योगपति की हत्या के सिलसिले में जुहू के चंदन सिनेमा के पास आया था। प्रकाश सहाय उर्फ मामा जबीर सफर सदस्य और शूटरों में से एक था। उसके खिलाफ कई एक्सटॉर्शन और मर्डर के केसेस थे। पुलिस को पिछले 2 सालों से उसकी तलाश थी। माना जाता है कि पिछले महीने गोवा में एमपी बालकृष्णा शुक्ला की हत्या में भी उसी का हाथ था। जब सीआईए ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मामा ने पुलिस टीम पर करण तो वो तुम्हारा दोस्त? हाँ मैं जानता हूँ, उसने कुछ छोड़ा तो नहीं तुम्हारे यहाँ? हाँ, उसका सूटकेस। शिट। अच्छा ठीक है सारे का, एक काम करो, तुम इस सूटकेस को बाहर ले जाकर कहीं फेंक दो। कहाँ फेंको? कहाँ? सारे का प्लीज, समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ लेकिन हुआ क्या है? उसका नाम कुछ और क्यों बता रहे? सारे का शराब, लिसन लिसन टू मी, उस सूटकेस को कहीं बाहर ले जाकर फेंक दो। शिट, मैं शाम की फ्लाइट से बॉम्बे आ रहा हूँ, तुम बस उस बैग को ठिकाने लगा दो। और हाँ, अगर किसी ने कुछ पूछा तो किसी भी हालत में मेरा नाम मत लेना, प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, मुझ पर भरोसा है ना? हाँ करण, पर मैं वो सूटकेस कहाँ पर? मैं वो, अरे कहीं भी यार, जस्ट डू इट। Thank you.
ये सारिका और तक का घर है जी। सारिका और तक इधर ही रहती है जी। हाँ, लेकिन वो घर पर नहीं है अभी। आप कौन? मैं राठौड़, स्वाति राठौड़। सूटकेस में क्या है? कपड़े। खोलो। नहीं, मेरा मतलब है चाबी। चाबी नहीं है मेरे पास। कहाँ है? चाबी गुम हो गई है, मैं वही डुप्लीकेट बनाने जा रही थी। मामा की मामी है तू? देखिए, तमीज से बात कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। कितनी बार कहूं, मैं किसी मामा या प्रकाश सहाय को नहीं जानती। ये सब कुछ चुप। साली, दो घंटे से वही गाना गा रही है, तेरा एड्रेस कैसे मिला उसके पास? अगर किसी ने कुछ पूछा तो किसी भी हालत में मेरा नाम लेना। वांटेड लिस्ट में था, आज नहीं तो कल उसे जाना ही था। तू काई को रोती है? सच, मैं जानती भी नहीं थी उसे। मैं सिर्फ उसके साथ सोती थी या उसका काम भी करती थी। देख, ये पुलिस स्टेशन है, यहां रोने से कुछ नहीं होता, बोलने से होता है। बोल। बोल। मैडम, इसको कोई मिलने आया है। हेलो मैडम, मैं सारिका की दोस्त हूँ। और ये भी दोस्त है? ये मेरा भाई है। मैडम देखिए, मैं सारिका को 1.5 साल से जानती हूँ। आपको कोई गलत फहमी हो रही है रियली? उसकी बात छोड़, अपनी बता। डेढ़ साल से जानती है, इसका मतलब तू भी मिली हुई है। सर, मैडम देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये उस लड़की के साथ में ट्रेवल एजेंसी में काम करती है, सिर्फ काम, और इसलिए यहाँ पे आई है। अब दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, ये उसे जानती तक नहीं है। मैडम, मुझे लगा कि कोई सिर्फ एक्सीडेंट का मामला है, इसलिए मैं। मत कर मैडम, का टाइम वेस्ट मत कर, और भी बहुत काम होते हैं उन्हें। मैडम, कैन वी टेक यू लीव प्लीज? खाना किधर है? खाना तो दे दे मेरी माँ, खाना दे दे। चुप बैठ। अरे, ये होटल है क्या? क्या रे? होटल नहीं, गवर्नमेंट का तबेला है। तू क्या देख रही है? कभी देखा नहीं क्या? कभी देखा नहीं? सारी का वर तक चल, कोई मिलने आया है। सारी का वर तक कमलेश माथुर, तुम्हारा वकील करण ने भेजा है। करण कहाँ है? वो किसी जरूरी काम में बिजी है। मैडम, जरूरी काम क्या? वो मुझे पता नहीं, बोला के बताएगा। आप इधर बैठो, अब इधर बैठो, मैं सब समझाता हूँ, बैठो। क्या है करण, इस मामा ये प्रकाश शायद जो भी है,
इसको कुछ महीने पहले मिला था। इसने अपना नाम अभिजीत बताया, बोला नासी के पास में इसका अंगूर का बिजनेस है। अभी क्या है, क्रेप्स के बिजनेस में जितना भी पैसे का डीलिंग होता है ना, सब कैश होता है। तो करण इसका पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहा था, थोड़ा बहुत दोस्ती हो गया था दोनों का। अभी क्या मालूम था कि ये गैंगस्टर था, लंगूर का ना बाग था ना अंगूर। पुलिस ने कोई तकलीफ दी? पुलिस समझ रही है कि मैं उस प्रकाश सहाय उसके साथ हूँ। पुलिस, आई टेल यू। देखिए करण कहाँ है? वो भी बेंगलोर में। एक मिनट, मैं बताता हूँ। अभी क्या है, देखो हमने कुछ नहीं किया है और हमको कुछ नहीं होगा, ओके? अभी हम लोग कोर्ट जाएंगे, पुलिस कुछ भी कहे चिंता नहीं करना। जज ये पूछेगा कि ये सूटकेस तुम्हारे पास कहाँ से आया है, तुम बोलना ये मामा तुम्हारे घर में आया और बोला तुम्हारे स्कूल का कोई सहेली, ये सीता गीता कोई भी उसका भाई है, हैं? बोला वो फ़ोन करेगी और ज़बरदस्ती ये सूटकेस तुम्हारे पास छोड़ कर चला गया है। बाद में फ़ोन ऑन आया नहीं, तुमने टीवी पे न्यूज़ देखी, सीधा पुलिस स्टेशन जा रही थी जब ये सब हो गया है। इधर साइन कर। लेकिन मैं डर गई थी, मैंने झूठ बोला था पुलिस से कि मैं। नहीं, पुलिस को तुम कुछ भी बोलो, उसका कोर्ट में कोई मतलब नहीं है, है ना? कोर्ट सबूत मांगती है, पुलिस के पास कोई सबूत है? सॉरी, डोंट वरी, है दो घंटे में हम लोग घर में होंगे। सहाय के फिंगरप्रिंट्स इनके घर में मिले और साथ में कुछ कीमती चीजें भी, जैसे मोबाइल फोन, डायमंड ज्वेलरी वगैरह वगैरह, जो इनके बताए भी आमदनी से नहीं खरीदी जा सकती। और ये इनके पड़ोसी मिस्टर कामदार का स्टेटमेंट, उसने दोनों को साथ में देखा है, इसलिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि प्रकाश सहाय की रखेल थी और उसके साथ अंडरवर्ल्ड के लिए काम करती थी। नो बेल, 3 हफ्तों की जुडिशियल कस्टडी। नेक्स्ट। कमलेशी, क्या आपने तो कहा था कि 2 घंटे में मुझे। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी अपील फाइल करता हूं, ओके? अरे मुझे जेल में लेके जा रहे हैं, टेंशन मत लो का मतलब क्या? 1 मिनट, करण कहाँ है? मैडम 1 मिनट, उसका मोबाइल ट्राई करो, मोबाइल लग नहीं रहा है, इसका मतलब वो फ्लाइट में होगा। फ्लाइट में? अरे कामदार कौन है? मेरा पड़ोसी है, उसका क्या हाल है? तो बताया क्यों नहीं उसके बारे में? बता ले, कुछ था ही नहीं इसमें बताने का। 1 मिनट, तुम डिसाइड करोगी? मुझे मालूम, यू नो, मुझे मालूम होना चाहिए कोर्ट में क्या होने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोर्ट का मामला चिल्लम चिल्ली से बात बिगड़ जाएगी मैडम। जितनी जल्दी हो सके मैं डेट लेने की कोशिश करता हूँ, एंड विल सू द पुलिस। बदनामी और मेंटल टेंशन के लिए हम इनसे कंपल्सेशन लेंगे, यू नो, डोंट वरी। चलो, आई एम हियर, कम ऑन, आई एम हियर, टेंशन मत लेना। एक दो दिन की बात है, बस एक दो दिन की। मानो से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, ओ पहला कदम। तू है नहीं कबूतरी, बिस्किट खाएगी? डाटी क्या है, लेना मस्त जगह है।
बहुत अच्छा खाना मिलता है। सुन, एक औरत है, उससे बच के रहना। डॉली क्रैक है साली, बहुत हरामी, चार चार खून करके आई है, उससे बच के रहना बस। नाम क्या है तेरा? सारिका। आपका नाम क्या है? डॉली। सो जा। अरे मैंने क्या किया? चूहे से डर गई। क्या हुआ भाई? कभी नाम सुना है उसका? नहीं। मिले हैं? नहीं। बस बेटी ने कह दिया और मान गए। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। चिल्लाए मत, सुनाई देता है। मैडम वो कॉर्पोरेटर आधा घंटे से आती हूँ। आप सरकारी नौकरी करते थे ना? कितनी तनख्वाह मिलती थी? 9,000। और आपकी बेटी को 12,000। काफी है, लेकिन मुंबई में नहीं, यहाँ जितना मिला कम है। ये परफ्यूम की बाटली, सेलफोन, मैकडोनल्ड, कपड़ा, नेल पॉलिश, ये सब कहाँ से आएगा? सब अच्छे घर से आती हैं, लेकिन किसी के बाप को नहीं पता कि उसकी बेटी ने क्या दुकान खोल रखी है। झूठ नहीं बोलती। ए, जल्दी हाथ चला, नहीं तो खाएगी। फिर से दाल में साबुन की बात। तो बाल धो लेना।
ये अप्सरा डॉकीज कौन है रे? नहीं आई है। नाम क्या है? नाम सारी का। क्या किया? क्या किया? सवाल पूछा तो जवाब देने का। ए भानु, छोड़ उसको। कुछ किया तेरे को? किया? कुछ किया? किया? भानु, क्या बोली मैं तेरे को? छोड़ इसको। सवाल पूछा तो जवाब ही नहीं देती। चल कमती हो जा, चल निकल यहां से। बाद में मिलते हैं। ए इधर आ। क्या नाम है तेरा? क्या रे, बहुत घूमने लगे दोनों, जा यहाँ से। जा रही है ना प्रमिला जी? वो लोग आ गए, साहब चाहते हैं आप बात करें। ठीक है तू चल, मैं आती हूँ। ए रानी, देख दो हफ्ते की तो बात है, सब ठीक हो जाएगा, ध्यान रखना तब तक अपना। जी। ले रख ले। ये क्या है? उस तरह जरूरत पड़ेगी तुझे इसकी। मैं इसका क्या करूंगी? जेल है, काम आएगा तेरे। नहीं लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैं तेरी मर्जी। डॉली, ये रमीला कौन है? साधु भाई की बीवी। कुर्ता की नहीं जानती? किधर से आई रे? गैंगस्टर था बहुत बड़ा, राजू गैंग ने उड़ा दिया। रमीला दोनों सुपड़ियों को मार के यहाँ आई है, अब अंदर से गैंग चलाती है। बहुत पहुंच है उसकी, बाहर भी अंदर भी, जाती तो कभी भी निकल सकती है। लेकिन यहाँ सेफ्टी है ना, पुलिस राजू गैंग दोनों की जान चढ़ते ही। कब है प्रमिला की सुनवाई? क्यों ऐसे ही पूछा? क्या चल ना कहा? अरे चल तो कहा? कहा ना चल। देखिए आप जो कहा लेके जा रही हैं मुझे। तुझे? चल चल इधर चल, I'm sorry. I'm so 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 sorry. मैं उसे पार्टी में मिला था, किसी दोस्त ने हमें मिलाया था। I had no idea कि वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। Listen, मैं अपने सारे दोस्त अपने सारे कॉन्टैक्ट से रोज बात कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा सारे का। I promise. सारे का, मेरा सारा काम मेरे रेपुटेशन पे है। अगर मेरा नाम इसमें आ गया तो मेरा बरसों का सब काम बेकार हो जाएगा सारे का। कोई भी आगे मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, सब खत्म हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे ये कैसे कहूं, लेकिन
प्लीज मेरे खातिर कुछ दिन और सह लो, जस्ट अ फ्यू डेज प्लीज। कैसा आदमी है, अपनी औरत को जेल में छोड़ दिया और खुद बाहर बैठा है। नहीं प्रमिला दीदी, कैसी बात कर रही हैं आप? उसने मुझे खुद कहा है कि वो बहुत कोशिश कर रहा है, बस 2-3 दिनों की बात है वो मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाएगा। अच्छा है, तेरे लिए जगह नहीं है। कुछ मंगाया? कुछ नहीं। कौन है? पुलिस। डर गया? फोन क्यों नहीं किया? करोड़। कल कहा? लंदन। साकेत भाई, करण, 8 चाहिए जी, लंदन में। नंबर लिखे, 4CH 461 775 75। बस बाकी फर्स्ट क्लास, वो फोन करेगा आपको। थैंक यू। सुना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड, प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कैसे नहीं है? उसका बाप रोज चक्कर काट रहा है कोर्ट के, अगले हफ्ते की डेट मिली है। तो मतलब क्या? दिस ब्लड इज सीरियस करण, एमसीओ सीए लगा उसके ऊपर, बड़े बड़े टिक नहीं पाते, वो क्या टिकेगी? इंटरोगेशन में तुम्हारा नाम ले लिया तो? अगर वो गुनाह कबूल करे तो? पर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों कबूल करूं? देखो, पुलिस को तुम्हारे अगेंस्ट में बहुत कुछ मिल गया है, अगर तुम गुनाह कबूल नहीं करोगी तो भी अंदर जाने वाली हो, लेकिन अगर गुनाह कबूल करती हो तो मामला सीधा जज के हाथ में जाएगा, हैं? और जज सकलेचा अच्छा आदमी है, तुम उसको बोल देना कि तुम इस आदमी को थोड़ा बहुत जानती थी, एक दो बार छोटा मोटा काम भी किया है, हैं? बोला आई एम सॉरी, थोड़ा रोना, हैं? जज तुम्हारा रिकॉर्ड देखेगा, टोटल क्लीन, तुम एजुकेटेड हो, अच्छी फैमिली से हो, ईमानदार नौकरी कर रही हो, तो वो तुमको थोड़ा वार्निंग देगा, 10-15 दिन का सजा भी देगा, मगर ऑलरेडी तुम 1 महीने से ज्यादा तो काट चुकी हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? एक बात बताओ, बिल्कुल हमारे बीच में ये रास्ता खुद जज सकलेचा ने दिखाया करण को, है? और करण तो यही चाहता है ना कि तुम जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ, तो क्या करना है? मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहती हूं। क्या तुम अपनी मर्जी से कबूल कर रही हो? जी। तुम अच्छी फैमिली से हो, पढ़ी लिखी हो, नौकरी भी अच्छी थी तुम्हारी। मैं उन क्रिमिनल्स के साथ नरमी बरत सकता हूँ जो हालात और मजबूरी के कारण गुनाह करते हैं। तुमने सिर्फ लालच के लिए अपनी मर्जी से ये सब किया है। मेरे पास तुम जैसों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। 7 साल बामुशक्कत कैद, नो पैरोल, नेक्स्ट। माथुर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? माथुर जज साहब, एक मिनट, कुछ गलत। माथुर, एक मिनट प्लीज। माथुर जज साहब, एक मिनट, कोई गलत फहमी हुई है। माथुर जज साहब, एक मिनट, कोई गलती हुई है। माथुर साहब, माथुर साहब, माथुर साहब, माथुर साहब, माथुर साहब।
चूतिया बनाया उसने तेरे को। अब आया ना तेरे को समझ में? अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है उसका, तू कोर्ट में उसका नाम लेती तो वो फंस जाता। अपने को बचाने के लिए उसने तेरे को फंसाया। अरे तुझसे मिलना चाहती है यार, स्वीटहार्ट धमकी दे रही है, तेरा नाम पुलिस को बताएगी। क्या बताएगी पुलिस को तू? ये ना कि करण ने तुझको इन्वॉल्व किया था इसमें। एक बात समझने की कोशिश कर तू, पुलिस के पास करण का नाम तक नहीं है, समझी? हाँ हो सकता है वो इंक्वायरी करे तो क्या होगा उससे? यही पता चलेगा ना कि तू करण के साथ सोई, जैसा सहाय के साथ सोई और पता नहीं कितने लोगों के साथ सोई तू। तेरे साथ सोने से करण गैंगस्टर तो नहीं बन जाता ना। कमलेश शट अप, समझा रहा हूं ना यार। हे, आई सेड शट अप। सारिका, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हारे मन की हालत क्या है, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा कि तुमने मेरा नाम पुलिस को देने की धमकी दी। मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, मजबूर हूं। मैं जानता हूं तुम्हें जेल में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन मेरी बात मानो, कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी। और ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये जज कोटा सिक्का निकला, जरूरी नहीं है कि दूसरे जजेस ऐसे निकले। महीने साल में उसका ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा जज आएगा, हम केस रीओपन करेंगे। तुम्हें बस हिम्मत रखनी चाहिए, बी स्ट्रॉन्ग। हेलो, कौन? अरे नहीं मैडम, ऐसा किसी कैदी को बुलाना यहाँ पे अलाउड नहीं है। किसका डेथ हो गया?
पिताजी का। ये भी दो। ए, कपड़े धोना। जाने दो मुझे। ए जलपरी सुना नहीं क्या? मेरे को क्या मालूम, मैं तो कपड़े धो रही थी। करण ने जो तुझे धोखा दिया उससे एक फायदा तो हुआ, ताकत आ गई तुझमें। शेर हर एक के अंदर होता है, उंगली करने वाला चाहिए। अब तेरे 7 साल यहां आराम से कट जाएंगे। मेरा यहां रहने का कोई इरादा नहीं है। मतलब? मुझे यहां से बाहर निकलना है। आप मेरी मदद करेंगे? क्या करेगी?
मार डालेगी उसे। इतनी आसानी से नहीं। ये उठा, देख रही है। चल चल चल, संभाल के चल। कहते सांगले जाओ। अरे कैसे जाऊं, मेरा मर्द यहाँ है, मेरा बच्चा यहाँ है। मैंने कहा आशा को भेजो, उसका बच्चा भी नहीं है। कहते हैं जाना है तो जाओ, नहीं तो नौकरी छोड़ो। अरे ये कोई बात हुई? आप सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तू फिक्र मत कर, देखती हूँ मैं। जा तू जा। कुछ आग वाग लगी थी जेल में, चार पांच लड़के निकली, वो भी निकल गई साथ में। चलो गुड, गुड फॉर। अच्छा सुन, मैं मीटिंग में बाद में फोन करता हूँ। बाकी सब ठीक है बेटा? नई गाड़ी ली है, कॉन्टेसा वाइट। ओके सॉरी मिस्टर मेहता। तो ये कब तक हो जाएगा?
नमस्कार ताई। नमस्कार। कसा है, बरा है ना? हाँ, बरा है। बंडे आए कि नहीं यार? प्रमिला मेरी बहन जैसी है, कुछ भी चाहिए कहीं भी फोन कर देना। करण कहाँ है? पागल हो गई ये? करण कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं, फांसी में चला दूंगा तुझे इस बार, छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ एक बार और पूछूंगी, करण कहाँ है? चलो पीछे चलो, अरे पीछे चलो, पीछे चलो, बोलते हैं दारू पिया हुआ था, बालकोनी से गिर गया, वॉचमैन किसी ने कुछ नहीं देखा, सुसाइड या एक्सीडेंट का केस मानते हैं। सुसाइड? हाँ। कमलेश सुसाइड क्यों करेगा? उसे किसी ने मारा है। मैंने उसे कहा था नागरिक के केस को लाइटली मत ले, और फिर वो शिवम स्टेट वाले पता नहीं कितनों का नुकसान किया है उसने। मतलब इन्हीं में से किसी ने उड़ा दिया उसको, मगर किसने?
करण राठौर कौन से रूम में ठहरे हैं? एक मिनट, रूम नंबर 3023, आप उनसे बात करना चाहेंगे? नो थैंक्स, दरअसल 3022 या 3024 खाली है। एक मिनट मैम, आई एम सो सॉरी मैडम, वो रूम तो खाली नहीं है, लेकिन हाँ उसके बिल्कुल सामने वाला रूम खाली है, वो आपको मिल सकता है। चलेगा। मैम आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए प्लीज। श्योर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ठीक हो आई? नहीं, बंबई में नहीं हूँ मैं आई, मैं अभी नहीं बता सकती, मैं एक सहेली के साथ हूँ, तुम नहीं जानती उसे आई। क्या किया तूने सारिका? आई अब ये सारी बातें करके क्या फायदा है? बाबा तो प्लीज रो ना, इतना कर सकती हो ना मेरे लिए, प्लीज प्लीज बोलो मुझसे बात करो। आई दिल्ली में ही मैडम, प्रीपेड कार्ड से फोन किया था, किसी बलते नाम से। मैं आपको पिछले दो दिनों से देख रहा हूँ, मेरा नाम कृष्ण वर्गीज है, आई एम अ मॉडल कोऑर्डिनेटर, बट बेसिकली यू नो आई एम अ फोटोग्राफर, यू नो यू हैव अ टेरिफिक फेस। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, अगर आप मेरे एल्बम में काम करेंगे यू नो मैं आपको ओवरनाइट फेमस बना सकता हूँ। वैसे आप करती क्या है? देखिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरा स्टूडियो यही है सीपी में, म्यूजिक वीडियोस, मॉडलिंग एजेंसीज, प्लीज डोंट से नो। तो क्या कहा आपने? आपको हर जगह इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ मैं आपकी फोटोग्राफ्स टॉप की एजेंसीज में भेज सकता हूँ। जाने जा एक हसीना थी, क्या हुआ एक हसीना थी। दिल की नजरों में क्या जोर था, और उसके दिल में कोई चोर था,
कदमों की आहट न मैंने सुनी, खामोशियों में कोई शोर था, बारिश आँखों से होती रही, हंसता रहा वो, मैं रोती रही, दिल रुबा एक हसीना थी, एक हसीना जाने जा एक हसीना थी, एक हसीना थी, क्या हुआ एक हसीना थी, है कहाँ एक हसीना थी, एक हसीना थी, एक एक आईने में क्या हादसा हो गया, परछाइयों में चेहरा मेरा खो गया, आंखों में किसने भरी आग है, होठों पे क्यों लाल से दाग है, मौजों में थी वो छुपी है, कौन है, हाँ ये मैं तो नहीं, दिल रुबा एक हसीना थी, जाने जा एक हसीना थी, क्या हुआ एक हसीना लेट मिलना जरूरी है क्या? बाद में नहीं, अभी। सर ने तुझे अभी बुलाया है। क्या कर रहा तू? क्या कर रहा तू? फोन तो कर। हाथ मत लगा यार। तुझे चलना होगा इसी वक्त। अरे चल। करण। करण। चल मेरे भाई। पांच मिनट के लिए तो चल।
प्रॉब्लम क्या है बिलाल जी? करण आ गया है। बैठो। पाकिस्तान क्लेम दिस अटैक टू प्लेस थर्सडे नाइट इन द कुलतान। इतने सीरियस क्यों? ऑपोजिट द कारगिल ग्रास एरिया एंड स्माइल द फाइटर एयरक्राफ्ट हैड बीन यूज्ड बाय बोथ साइड्स। दिस एलिगेशन ऑफ द पाकिस्तान of a clash along the line of control on Thursday in the area mentioned by Pakistan. Just 2 weeks ago, kya so gaya air power had been used by the Indian Army to push back a Pakistani intrusion in a neighboring area. एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब उनके जोधपुर के मकान की तलाशी ली तो वहां 40 लाख से ज्यादा नकदी और सेविंग सर्टिफिकेट्स मिले। आज भी उनके जयपुर ऊपर जाओ मिले। तलाशी के दौरान माथुर के घर से महंगी शराब की 100 से भी ज्यादा बोतलें भी मिली। यार संजीव अपने आदमियों को समझाओ, बात करने की तमीज नहीं है। मैंने ही कहा था उन्हें, जहां भी हो जैसा भी हो घसीट के लाओ। लौंडिया की गोद से फुर्सत मिल गई। जब भी फोन करो दिस नंबर इज नॉट रीचेबल। 11 डिजिट का नंबर होंगे क्या? काम हुआ मेरा कि नहीं? नहीं। क्यों संजीव? हो जाएगा यार, बीच में नागर भाई बीमार पड़ गए थे। तेरे नागर भाई की ऐसी की तैसी, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मर तो नहीं गया ना? हाँ, कितना दिया तेरे को अब तक? दो। तो ये रकम कहानियां सुनने के लिए नहीं दी, काम करने के लिए दी। कब तक हो जाएगा काम? 15-20 दिन। 15 या 20? 20। 20 दिन तक मैं तुझे फोन नहीं करूंगा, 20 दिन के बाद भी नहीं करूंगा। ठीक है संजीव, और बड़े भाई साहब कैसे हैं? बहुत खुश हैं तुझसे। सब ठीक हो गया, अब तो स्माइल कर। सैड केस मैन, इट्स मी। हाँ, मैंने कहा था ना आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगा, तो मैं आ रहा हूं तुम्हें पिकअप करने। इतनी रात को क्या करेंगे? टीवी देखेंगे। बारिश का निशाना कर्बला में जबरदस्त घमासान। ऊपर है करण, अभी भी मिलके गया। निमोनिया से अब तक 60 अच्छा? ज्यादा लोगों की मौत। मैं देखता हूँ। संजीव, संजीव, अरे सो गया क्या? आप फौरन चले आइए। करने संजीव को मार डाला भाई साहब। मरफतिया के पैसे भी गायब। हाँ
मुझे करण चाहिए। मैडम वो रिसेप्शनिस्ट आ गया है, आप बात करना चाहती थी ना? या हाय, आई'd लाइक एन आउटसाइड नंबर प्लीज। किसी को साथ आते जाते देखा? सॉरी मैम। बाहर से किसी का फोन आता था? नहीं मैम, लेकिन एक बात है मैडम, जब वो यहाँ आई थी तो उन्होंने खास तौर से मिस्टर राठौड़ के बगल वाला कमरा मांगा था, वन मिस्टर करण राठौड़। रूम नंबर? संजीव को नहीं मारा। अरे मैं क्यों मारूंगा उसे यार? ये झूठ बोल रहा है। ना मिले तो नोटियाल का गोडाउन चेक कर।
हाँ हेलो। अरे मैं क्यों मारूंगा उसे यार, हुआ क्या है? क्या बिलाल कहाँ है इस वक्त? बिलाल मैं शौक हो गया भाई साहब, पागल हो गया साला, जाएगा कहाँ, यहीं कहीं होगा दिल्ली में, ढूंढ लेंगे उसको और बजा डालेंगे साले की। जी मामला बहुत बिगड़ गया है, भाग यहां से। अरे मैं क्यों भागू यार, मैंने कुछ नहीं किया है, बिलाल ने पैसे मारे हैं साला, उसकी तो मैं। वो सब गया भाड़ में, तो अपनी जान की खैर मना, भाग यहां से, मेरी बात मान, दिल्ली से निकल ले। नो वे। कुछ पता चला? वही तो आपसे पूछने आया, फोन वोन आया कोई? अरे मैंने भी 50 जगह फोन किए पर उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, छोड़ेंगे नहीं साले को। सब जगह देखा, गोल मार्केट, जेवी रोड, रिंग रोड, सब झाड़ मारा। भाई साहब का फोन आया था, बड़े अपसेट लग रहे थे, तुम लोग कर क्या रहे थे वहां पे? बाथरूम में बकरी काटा क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि वो यहां से पटेल की गाड़ी में निकला है। आप मुझे जानते हैं सर, यार तो प्लीज उन लोगों को समझाइए कि हाँ मैं जानता हूं हम लोगों का झगड़ा चल रहा था, लेकिन मैं एयरपोर्ट पे हूं। लुक सर, जस्ट प्लीज टॉक टू हिम, ओके? थैंक्स। से भाग आई करण, पांच सात लड़कियां निकली थी, मैं भी बस उनके साथ। फिर तुमने एक बार कहा था ना कि तुम दिल्ली में काम करते हो करण, मैं यहाँ आई और डायरेक्टरी में जितने राठौड़ थे ना मैंने सबको फोन कर डाला, लेकिन तुम मुझे। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं तुम हो भी कि नहीं इंडिया में, फिर दिल्ली में हो या नहीं या कहीं और हो इंडिया में, मैं सोच रही थी कि कैसे मैं तुम्हें, और मुझे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे इस तरह आज मिलोगे यहाँ पर। आई एम सो हैप्पी, तुम भी बहुत खुश होंगे ना मुझे इस तरह। क्या बात है, इज एवरीथिंग ओके? कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे मारना चाहते हैं। क्या? नथिंग, गलत कर दिया, एक्सक्यूज मी करण। हाँ मैं एक घंटे में पहुंच रहा हूँ, क्या हुआ? और हौस खास वाला घर, ओ कम ऑन यार, एक दो दिन के लिए नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता, तुम्हें मालूम है। ठीक है सारिका, तुम कहाँ रहती हो? बात क्या है करण,
कुछ नहीं, कमलेश का फोन आया था कि तुम जेल से भाग गई। तुमने उसे कांटेक्ट नहीं किया? किया था, कितनी बार कमलेश जी के घर पे फोन किया था, कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। और फिर मुझे पता चला कि वो बिल्डिंग से गिरकर मर गई। वो मारा नहीं, मारा गया। मारा? किसने मारा उन्हें? वो ही लोग जो मुझे मारना चाहते हैं। तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गया। ओह माय गॉड। कमलेश और मैं तुम्हें बचाने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे थे, उन्हें पता चल गया और कमलेश को मार डाला। मेरे सर पे भी किसी का खून का इल्जाम डाल दिया। अब मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकता। तो अब क्या करोगे करण? अपने आप को बचाने के लिए जो करना है वो करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं करण, जेल में रहकर मैं भी लड़ना सीख गई हूं। जेल के फ्रेंड ने जगह दिलवाई है, एकदम सेफ है, आओ। फैन? हाँ बोल, मेरा काम किया? लिसन, बिलाल ने उसे मारा है, बिलाल ने पैसे गायब किए हैं। अरे वो लोग कुछ भी बोले, मुझे बिलाल अकेला चाहिए, बस। मैं कहाँ जानकर क्या करेगा अमरीश? हाँ देख, तू मेरा काम कर सकता है या नहीं? फाइन। करण, ये लोग कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं? सारे का बाद में मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, जस्ट लेट मी फिगर इट आउट। ओके, तुम्हारे पास फोन का चार्जर है? हाँ? हाँ जरूर होगा, मैं अभी देखती हूँ। थैंक्स। एक रहस्यमय पत्र ने उलझन में डाल दिया है। पत्र भेजने वाला व्यक्ति को लोकल ट्रेन में बंद होने वाले का साथी बताया है। स्टार न्यूज़ को इस पत्र की एक कॉपी मिली है। पेश है स्टार। करण, तुम थोड़ी देर के लिए ये सब कुछ भूल नहीं सकते। Just 2 minutes, Sarika. जल्दी कर यार, देख तू वहां जा, फोन लगा, कुछ भी कर, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ इस वक्त बिलाल कहाँ है। हाँ, और इसके पास कितने आदमी हैं, इतना तो कर सकता है तू, जल्दी फोन कर। थैंक यू। मैं कर दूँ। अब कहाँ जाओगे करण?
जयपुर में मेरी एक फ्रेंड है शैलजा, बहुत बड़ी हवेली है उनकी, वहाँ से हमको कार पैसे सब कुछ मिल सकता है। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे करण। हाँ बोल। क्या शो? ओके थैंक्स। नफरत करती हो मुझसे? क्या क्या कह रही हो ये करण? नहीं नहीं, तुम बिलाल के पास जाओगी और कहोगी कि तुम मुझसे नफरत करती हो, वो तुम्हारी बात का यकीन करेगा। तुम उसे बताओगी कि मैं कहाँ छुपा हूँ। मुझे बिलाल अकेला चाहिए और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। ओके? लेकिन ये बिलाल है कौन? तीन फैक्ट्री का मालिक है, गारमेंट एक्सपोर्ट करता है, लेकिन डेफिनेटली दो नंबर का आदमी है। होटल में जो लाशें मिली हैं वो इसी के आदमी थे। लेकिन इस सब का आपके केस से क्या कनेक्शन है? बिलाल कहाँ मिलेगा? मुझे बिलाल साहब से मिलना है। हाँ बोलो। मुझे उनसे बात करनी है। सर बाहर एक लड़की आई है, वो बोल रही है कि वो जानती है करण का है। कहाँ है करण? हेलो बिलाल, बैठिए प्लीज। तुमने क्या सोचा, तुम्हारे आदमी मुझे मार देंगे या फिर डर के मारे मैं दिल्ली छोड़ के भाग जाऊंगा? चाल जबरदस्त थी पर आदमी तुमने गलत चुना। मारफतिया के पैसे कहाँ हैं बिलाल? क्या पैसे, रुपए, मनी कहाँ हैं? पागल हो गए हो तुम? जल्दी, मुझे क्या मालूम पैसे कहाँ हैं? तुम्हें नहीं मालूम पैसे कहाँ हैं? ठीक है, तू बताओ पैसे तेरे पास है? मेरे पास वक्त नहीं है बिलाल। गांजा पी के आया है, संजीव का खून तूने किया है, पैसे तूने चुराया। अबे अगर मैंने संजीव का खून किया होता तो मैं यहां क्यों आता? सोच, यहां क्यों आता मैं? अगर संजीव का खून तूने नहीं किया तो फिर उस रात वहां कोई और था। कौन? कौन? मुझे क्या मालूम कौन? मुझे भाई साहब से बात करने थे बिलाल। मुझे भाई साहब को फोन लगाने थे, मैं उन्हें बता देता हूँ कि खून तूने नहीं किया। मैं मार दूंगा और पैसे कोई काम नहीं आएंगे। पैसे दे दे और भाग जा, चांस दे रहा हूं तुम्हें। पैसे मेरे पास नहीं है। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा, बता दू। चलो उठ। बिलाल ना। शिट। बिलाल क्या कोई फोन नहीं उठा रहा? जाके देख क्या प्रॉब्लम है। अब भी देखता हूँ भाई साहब। मिस्टर करण राठौर, आप जहां भी जाते हैं चार लाशें मिलती हैं। देखिए मैडम, मैं कुछ नहीं जानता। मैं यहां आया था बिलाल साहब से मिलने और ये लाशें मिली। अचानक आप लोग आ गए, मैंने सोचा कि सारिका कहां है। कौन सारिका, मैं नहीं जानता। होटल में साथ में रहते हो ना? होटल में नहीं तो क्यों? आमने सामने अलग अलग रहने से साथ नहीं होता है क्या? याद आया? कौन सारिका? वो जो बॉम्बे की जेल से भाग निकली? वही सारिका जिसने कमलेश माथुर का मर्डर किया। सारिका वारदात में कमलेश का खून किया।
आमने सामने अलग अलग रहने से साथ नहीं होता है क्या? वही सारिका जिसने कमलेश माथुर का मर्डर किया। मारा? किसने मारा उन्हें? अगर संजीव का खून तूने नहीं किया तो फिर उस रात वहां कोई और था। हाय, ओह माय गॉड। थैंक गॉड, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। हालांकि एक सेकंड के लिए लगा कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। करण, पर अब हमें यहां से निकलना चाहिए। कम ऑन, हरी अप। एक सेकंड सारिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो, क्यों? मैं तुमसे प्यार करती हूँ करण। शादी करोगी मुझसे? करण, मेरे पीछे पुलिस है और तुम्हारे पीछे, हमें चलना चाहिए। सवाल का जवाब नहीं दिया। करण, प्यार करती हो ना मुझसे? हाँ करण। हम नेपाल जाएंगे, वहां से यूरोप, वहां मेरी माँ रहती है, सालों से उससे नहीं मिला हूं, तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूं। बस बता दो पैसे कहाँ हैं। मैं जानता हूं पैसे कहाँ हैं सारिका। Get up. पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? Tell me. Come on. Where's the money? Where is the money? मैं तुमसे फिर से नहीं पूछूंगा। कमलेश को कैसे मारा तुमने? हाँ, संजीव को कैसे मारा? बड़ी चीज निकली तुम, अमेजिंग। पान में इतनी मिर्ची है, खाते वक्त तो पता नहीं चला। पहली बार जब मैं तुमसे मिला तो सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता था, लेकिन अब लगता है एक बार प्यार कर ही लूं। सो कम ऑन स्वीटहार्ट, पैसा कहाँ है? झूठ बोल रही हो तुम। नहीं, मैं सच बता रही हूँ। मैंने ही संजीव को मार डाला, पैसे लिए और वहां से भाग गई और पैसे चला दिए। What? क्योंकि मैं जानती थी
वो लोग छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, और मैं चाहती थी कि वो तुम्हारे पीछे पड़े, तुम्हें पकड़े, तड़पाए, तुम्हें तकलीफ हो तुम्हें। 11 करोड़ तुमने जला दिए। हाँ। पागल तो नहीं हो गई तुम? पागल हो गई थी करण, लेकिन मैं आई एम सॉरी करण, मैंने पैसे जला दिए। अब मैं क्या करूँ करण, अब मैं क्या, मैं तुम जो कहोगे मैं करूंगी करण, मैं पागल हो गई थी गुस्से में, मुझे मत मारो करण, मुझे मत, तुम जो कहोगे मैं करूंगी करण, तुम जो। यही बात तुम जाकर नंदा से कहो। सब गेट अप। मेरी वजह से ये जेल गई, मुझसे बदला लेना चाहती थी, और बेचारे संजीव को अपनी जान देनी पड़ी। बोल, बता भाई साहब को, बोल। साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो इससे प्यार करती थी, इससे मिलने होटल चली गई, तो वहां कोई और ही लड़की थी साहब, इसने मुझे वहां से मार दिया। शट अप सारे का। करण, बोलने दो इसे। मैं मुंबई वापस जा रही थी, अचानक ही मेरे घर पर कल रात को आया और मुझसे कहने लगा कि मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए, कहता था कि इसके हाथ से किसी का खून हो गया है, और कुछ लोग इसके पीछे पड़े। करण प्लीज। भाई साहब ये झूठ बोल रही है। आई लव यू करण, डोंट डू दिस। झूठ, शट अप। और उसे कहने लगा कि अगर मैंने गुनाह अपने सर पर लिया तो मुझे बहुत पैसे देगा, और जब मैंने मना किया तो मुझे मारने लग गया। इसे मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। भाई साहब, इसी ने मेरे वकील कमलेश का खून किया है। अरे बॉम्बे की पुलिस इसके पीछे पड़ी है, अब फोन लगा के देखो। कौन कमलेश वकील? और साहब, मैं तो आपके भाई साहब को जानती तक नहीं थी साहब, मैं उसका खून क्यों करूंगी? इस भाई साहब के पके जा रही है और आप सुनते जा रहे हैं, पूछे ऐसे पैसे कहां हैं, कहती है जला दिए। पैसे जला दिए सर? कोई किसी के पैसे क्यों चलाएगा? तुम पागल तो नहीं हो गए हो करण? तुम जबान काट दूंगा। करण, कोई किसी के पैसे क्यों चलाएगा सर? ये पागल हो गया क्या आदमी? सारिका, I'll kill you. बस। मुझे इस पागल आदमी से बचाइए सर, मुझे इस पागल आदमी से बचाइए। ये इसी की बंदूक है, आप पता लगाइए। मैं गारंटी देता हूँ इसी बंदूक से संजीव मारा गया है। तुझसे बदला लेने के लिए ये मेरे भाई को क्यों मारेगी? क्योंकि ये पागल है। मार फतिया के पैसे कहाँ हैं? अरे मुझसे क्या पूछ रहा है, उससे पूछ। गोली चली तो तू भी गया नंदा। ध्यान से मेरी बात सुन, अगर मैंने संजीव को मारकर पैसे चुराए होते तो मैं इस वक्त यूरोप में होता या नहीं? मैंने तेरे भाई को नहीं मारा, इसने मारा है। पैसे मैंने नहीं, इसी ने चुराए हैं। पूछो इसे। भाग गई, भाग गई। Thank you.
गोली सर से निकलेगी करण, अगला यूलू कम ऑन। ओके ओके सारे का ये क्या है? चुपचाप चलते रहो। क्या ये सब? रोज जेल में तुम्हारे बारे में सोचते थे, क्या करूं तुम्हारे साथ? देखो सारिका, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मामूली मौत तो बहुत कम हो जाती तुम्हारे लिए। What? बहुत सोचा, बहुत ढूंढने के बाद ये जगह मिली। सारिका ताले खोलो। शहर से मीलों दूर कोई नहीं आता यहाँ। सारिका, I'll okay, look, I'm sorry. याद है तुम्हें? मुझे चूहों से डर लगता था। सारिका तुम पागल तो नहीं हो गए? ये चूहे कहां से आ गए? तुम हंसते थे। खोलो मुझे। तुम हंसते थे। जेल में सब डर चला गया, अब किसी चीज से डर नहीं लगा। Come on, Sarika. Come on! Have a good day, Karan. Listen. Jo kuch bhi ho, uske liye main maafi chahta hoon. All right? Sarika? I'm sorry! Sarika! Sarika, I'm sorry! Sarika, please! Sarika! Listen, I told you I'm sorry. Come back! Sarika! Come back here! तुम क्या समझती हो मैं यहां से नहीं निकल सकता? I'm gonna kill you! Come back here now! Sarika! Sarika! Shit! Come back! Sarika! करण के 11 करोड़, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, आपको जो करना है आप कर लीजिए। Thank you.
Ah!